हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज मैं आपको एसएससी एमटीएस 2023 की जो वैकेंसी आई है, जिसके अंदर जो बिल्कुल पैटर्न चेंज हो चुका है एसएससी का, जैसे सीजीएल का चेंज हुआ था, जिसके अंदर जो पहला जो पेपर है मैथ और जो रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है, और सबसे ज़्यादा वेटेज जो है जो सेकेंड जो पेपर है मेन इंग्लिश का और जो जीके का है, उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। पहला पेपर में सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है जिसमें मैथ और रीजनिंग है। तो मेरे पास जो एसएससी की जो पिछले प्रीवियस ईयर जो किरण की बुक है उसके अंदर 100 सेट हैं, उन 100 के 100 सेट को मैं कंप्लीट करवाऊंगा इंग्लिश के और जीके के। तो इस वीडियो के अंदर मैं 2011 का 20 तारीख और जो 20 फरवरी को जो 2011 को जो पेपर हुआ था एसएससी एमटीएस का, वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन पेपर ऐसे हैं जिसमें निशान लगाए गए हैं, बाकी मैं फिर आपको आगे सही है वो करवा दूँगा। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन है इंग्लिश और जो जीएस है, जिसके अंदर 8 से 10 क्वेश्चन करंट के भी आएंगे जीएस के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है 2023 के अंदर, 24 में इलेक्शन है, तो उससे पहले भर्ती मतलब कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके लिए एक बहुत एक गोल्डन चांस है चीज़ों को अच्छी तरह करने का और एक नौकरी पाने का। तो इस वीडियो में मैं इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन आते हैं और अब जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें एक क्वेश्चन के 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आएगा। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। क्या मैं इसी तरह, मेरे पास संसाधनों की कमी है इसलिए मैं जो पीपीटी वगैरह है वो नहीं बना पाऊँगा, और मैं इसी में से आपको डायरेक्ट करवा दूँगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो जो 51 से लेकर के 55 तक जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित जो आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, सम ऑफ द सेंटेंस, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं हैव एरर्स, जिनके अंदर कुछ गलतियां हैं, एंड सम आर करेक्ट, यानी कुछ वाक्य सही हैं और कुछ गलत हैं। फाइंड आउट, हमें पता लगाना है, विच पार्ट, कि कौन सा पार्ट है ऑफ ए सेंटेंस, कि वाक्य का कौन सा भाग हैज़ एन एरर, किस भाग में गलती है। इफ़ देयर इज़ नो एरर, यदि किसी भी भाग में गलती नहीं है, द आंसर इज़ 4, तो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि वहाँ पर लिखा मिलेगा नो एरर। इग्नोर एरर्स ऑफ पंचुएशन इफ़ एनी, ठीक है, अगर कोई एरर है पंचुएशन की आप उसको इग्नोर कर देना। तो 51वां क्वेश्चन देखते हैं, विहन आनंद रीच्ड द विलेज, जब आनंद गाँव में पहुँचा, ठीक है, ही फाउंड दैट, उसने पाया, रिपोर्ट्स अबाउट हिम, कि गांव पहुंचने की जो रिपोर्ट्स थी उसकी, अबाउट के बारे में, हिम यानी किसके बारे में, आनंद के बारे में, प्रीसीडेड हिम, या फिर नो एरर्स। तो क्या कह रहे हैं कि जब आनंद है ना गाँव के अंदर पहुंचा, तो उसने देखा पाया कि जो रिपोर्ट, तो पहले प्री का मतलब पहले ही उसके बारे में जो रिपोर्ट थी वो लोगों को पता चल गई थी, बता दिया गया था। तो इसमें इसके अंदर क्या आएगा, ये जो प्रीसीडेड दे रखा है फ्यूचर के अंदर, सॉरी पास्ट के अंदर, जब कोई काम, दो काम हो पास्ट के अंदर, तो पहला जो काम पहले हुआ है, जैसे देखो, जब वो गांव पहुंचा ना, लोगों को पहले ही खबर चल गई थी, यानी कि पहुंचने से पहले क्या हो चुका था, लोगों को पता चल चुका था। तो पास्ट में जब दो घटनाएं हो ना साइमल्टेनियसली एक साथ, तो जो घटना पहले घटी है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में जब दो घटनाएं घटी हों, जो घटना पहले घटती है उसके लिए एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो तीसरा जो पार्ट है ना, यहाँ गलती है, तो जब आनंद गांव पहुंचा तो उसने देखा कि जो रिपोर्ट्स थी ना उसके बारे में, हैड प्रीसीडेड हिम, पहले ही मतलब जो है प्री मतलब पहले से ही लोगों को पता चल चुका था, तो यहाँ जाएगा हैड प्रीसीडेड हिम, तो एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गलती कहाँ पे, थर्ड पार्ट के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। 52 है, आवर सक्सेस और आवर फेलियर, हमारी सफलता और विफलता, ठीक है, लार्जली डिपेंड ऑन निर्भर करती है आवर एक्शंस, यानी कि हम क्या काम करते हैं, क्या कितने हम डिसिप्लिन है लाइफ के अंदर, इसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी सफलता भी और विफलता भी। तो आवर सक्सेस और जो आवर फेलियर, और से जुड़ करके ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
तो आपको सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आवर सक्सेस और आवर जो फेलियर है जो और से मिलकर ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब होती है जब वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया जाता है, तो डिपेंड की बजाय आ जाएगा डिपेंड्स। तो आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड्स अपॉन, तो गलती किसके अंदर है, जो है सेकंड पार्ट के अंदर है, तो डिपेंड के जगह आ जाएगा डिपेंड्स। थर्ड है 53, द पुअर मैन पॉइजन्ड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन, गरीब आदमी ने क्या किया, खुद भी जहर खा लिया और अपने बेटों को भी क्या कर दिया, जहर खिला दिया। पॉइजन्ड हिम, हिम की जगह आ जाएगा पजेसिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, यानी खुद भी, हिम की जगह आएगा हिमसेल्फ। तो पुअर गरीब आदमी ने खुद भी और अपने बच्चों को भी क्या कर दिया, पॉइजन्स कर दिया। तो हिम जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पजेसिव ऑब्जेक्ट आएगा, यानी हिमसेल्फ आएगा। इट वॉज ए इन 2006, 2006 में, दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट, समय बताया है कि 2006 में पहली उड़ान भरी। तो समय को दर्शाने के लिए दैट का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि वेहन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वेहन आ जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। द चिल्ड्रंस डॉग, चिल्ड्रंस यानी बच्चों के जो डॉग्स डॉग हैं, स्लेप्ट क्वाइटली, चुपचाप सो गई, कहाँ पर, इन देयर अंकल्स हाउस, पजेसिव बताया है किसके, अंकल्स के, यहाँ पर ये भी पजेशन कर रहे हैं, अंकल के घर के अंदर जो है उसके जो डॉग्स थे वो सो गए। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो पांच क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इस तरह के एरर्स के पूछे जाते हैं। 56 से लेकर के 60 तक क्या पूछा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, सेंटेंसेज आर गिवन विद ब्लैंक्स, कुछ खालिस्तान दे रखे हैं, टू फिल्म ने भरने हैं, इन एन अप्रोप्रिएट वर्ड, उचित शब्द भरना है, फोर अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड, चार विकल्प दिए गए हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं, फॉर इच क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ फोर, चार में से हमने एक सही चुनना है, वी मस्ट खालिस्तान हेल्प टू पीपल हिट बाई द साइक्लोन, यानी जो लोग साइक्लोन के अंदर जो तूफान आया, जो पीड़ित हुए, हिट हुए, ठीक है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, मस्ट का मतलब जरूर करनी चाहिए। तो कंट्रीब्यूट होता है योगदान देना, समन का मतलब होता है बुलाना, जैसे कि जज किसी कोई केस में कोई मान लिया विटनेस है उसको समन भेजता है, तो समन का मतलब ऑफिशियली जज के द्वारा किसी व्यक्ति को बुलाना। इम्पार्ट का मतलब भी होता है देना, रेंडर का मतलब देना, तो एग्जैक्ट मीनिंग आ जाएगा यह रेंडर, वी मस्ट रेंडर हेल्प टू द पीपल हिट बाय द साइक्लोन, जो लोग साइक्लोन से हिट हुए हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए, मदद देनी चाहिए, तो आ जाएगा रेंडर, ठीक है। नेक्स्ट है 57, द मेटल्स एंड मिनरल्स, जो मेटल्स है और जो मिनरल्स का जो सेक्टर है, सेक्टर समझ गए, बाग, इंडस्ट्री के अंदर जो मेटल्स और मिनरल्स का जो बाग है, डैश करंटली हाईली वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा आगे नहीं किया, ध्यान नहीं रहा, देखते हैं दोबारा, द मेटल्स एंड द मिनरल्स सेक्टर, जो मेटल्स का और जो मिनरल्स का जो सेक्टर है इंडस्ट्री के अंदर, डैश करंटली हाईली वोलाटाइल, यानी ये एक ऐसा सेक्टर है इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, वोलाटाइल का मतलब होता है दैट कैन चेंज सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कोई चीज़ अचानक चेंज हो जाना, उम्मीद भी नहीं कर सकते कब वो इतना उतार चढ़ाव आता है इस सेक्टर के अंदर। तो इसके अंदर क्या आएगा, द मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर आर करंटली, आर आएगा, इज आएगा, वाज आएगा या वर आएगा, तो इसमें एग्जैक्ट आ जाएगा इज, यानी कि ये सिंगुलर हैं दोनों, एंड से मिलकर सिंगुलर हैं, तो ये इज आ जाएगा इसका तर, तो इसका पूरा मीनिंग बन जाएगा मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर, जो मेटल का और जो मिनरल का जो सेक्टर है, इज करंटली फिलहाल हाईली वोलाटाइल, बहुत ज़्यादा उछल उतार चढ़ाव है इसके अंदर। 58, वी शुड नॉट मिक्स दोज पीपल, हमें उन लोगों को नहीं मिलाना चाहिए, हु हैव, हु मतलब ये लोग, हैव खालिस्तान रेपुटेशन, जिनका जिनका रेपुटेशन क्या है, जिनको लोग किस नज़रिए से देखते हैं, अनसेवियरी, अनसेवियरी का मतलब होता है बदनाम, अनस्टडी जो स्थिर नहीं है, अनसेंक्टिफाइड, सेंक्टिफाइड होता पवित्र, अनसेंक्टिफाइड होता अपवित्र, अनसेफ असुरक्षित, तो हमें उन लोगों को मिक्स नहीं करना चाहिए, हु हैव एन रेपुटेशन, जिनका जो रेपुटेशन है एक बदनाम है, अनसेवियरी आ जाएगा, यानी जो बदनाम है, ठीक है, उनको हमें मिक्स नहीं करना चाहिए, नोटोरियस टाइप के, बदमाश शरारती टाइप के। 59, इट वॉज सेड, ऐसा कहा जाता था ऑफ अकबर, अकबर के बारे में, दैट की ही रेयरली,
कि वो मुश्किल से ही, एल वाई लग गया एडवर्ब है कि, यानी कि रेयरली मुश्किल से ही खालिस्तान मोर देन 3 आवर्स ए डे। भाई अकबर के बारे में ये कहा जाता है कि मुश्किल से ही वो क्या है 2-3 घंटे वो दिन में सोते थे। तो आ जाएगा पास्ट के हैबिट को दर्शाया गया, तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। रेयरली स्लेप्ट आ जाएगा, क्या जाएगा स्लेप्ट। 60 का देखते हैं, एज द बेयर माउंटेन्स टर्नड ग्रीन। बेयर माउंटेन टर्नड ग्रीन का मतलब क्या होगा कि जो माउंटेन्स थे वहाँ पर पहले कोई झाड़ फूस जो भी वहाँ पर चीज़ें थी वो ग्रीन नहीं थी, हरे नहीं थी, सूखे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टर्न ग्रीन, हरे हो गई। द पीपल फाउंड, लोगों ने देखा या पाया, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग, यानी लोगों ने देखा, लुक फॉरवर्ड का मतलब टू एक्सपेक्ट समथिंग विद प्लेजर। लोगों को उम्मीद थी कि अब क्या है, स्प्रिंग की उम्मीद थी, वसंत ऋतु की उम्मीद थी, कि क्योंकि पहले सारी चीज़ें घास फूस जो मैं जो वहाँ पर मान लिया ग्रासलैंड्स थी वो बिल्कुल बेयर थी। वैसे बेयर का मतलब होता है विदाउट क्लोथ्स, यहाँ पर मतलब तो कोई वहाँ पर घास वगैरह मतलब सूखी हुई थी। और अब लोगों को उम्मीद थी जब वो हरी हुई कि लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग, यानी कि टू एक्सपेक्ट, उम्मीद होना समथिंग विद प्लेजर। तो यहाँ पर आ जाएगा पीपल फाउंड देम सेल्स, लोगों ने, तो पीपल्स प्लूरल है इसके लिए आया देम सेल्स, दे नहीं आएगा, देम नहीं आएगा, ठीक है। तो लोग प्लूरल हैं ज़्यादा हैं तो आ जाएगा देम सेल्स। पीपल फाउंड देम सेल्स, अपने आप को पाया, लुक फॉरवर्ड ये उम्मीद में टू स्प्रिंग, स्प्रिंग की उन्हें उम्मीद थी। तो ये 50 से लेकर के 60 तक हमने किए, अब आगे करते 61 से लेकर 65। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आउट ऑफ 4 में से जो विकल्प है अल्टरनेटिव, चूज करना, चुनना, द वन एक चुनना है, विच बेस्ट एक्सप्रेस, जो सबसे बेस्ट अपना भाव को व्यक्त करता है, द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड सीज, जैसे मान लिया बाइक चला रहे हैं, बाइक के अंदर मोबिल वगैरह नहीं है, तो कहते हैं कि इंजन सीज हो जाता है, बिल्कुल जो जो व्हील हैं पहिए हैं बिल्कुल रुक जाएंगे, जाम हो जाएंगे, अगर उसको अगर बगैर मोबिल के चलाओगे। सीज का मतलब स्टॉप, रुकना, ठीक है। लैप्स क्या होता है, 8वीं क्लास के अंदर एक 4th लेसन है मेन रीडर बुक का, लैप्स, बिपिन बाबूज लैप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। लैप्स का मतलब होता है याददाश्त की चूक हो जाना, जब हम कोई चीज़ भूल जाते हैं ना उसको कहते हैं लैप्स ऑफ मेमोरी, यानी कि चूक हो जाना। स्टॉप, क्लोज, अरेस्ट, तो आ जाएगा सीज का मतलब स्टॉप। लायबिलिटी, लायबिलिटी होता है जिम्मेदारी, वैसे होता है जिम्मेदारी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, लेकिन यहाँ लायबिलिटी के हमने मीनिंग बताने हैं। डेट, ऋण, डेबिट, एसेट, एसेट का मतलब होता है पूंजी, संपत्ति, क्रेडिट, यानी कि कोई चीज़ क्रेडिट करना, देना। तो लायबिलिटी का यहाँ मतलब है ऋण, यानी कोई चीज़ आपने डेबिट करनी है, तो लायबिलिटी का जो सही मीनिंग है यहाँ पर डेबिट करना। इंटेग्रेशन, इन का मतलब होता है कोई चीज़ अंदर, यानी अंदरूनी, इंटेग्रेशन यानी कि यूनिटी, कोई चीज़ को एक करना, यूनिटी करना। सिमेट्री क्या होता है, सिम का मतलब होता है सम्मान, जब कोई चीज़ें सम्मान हो तो सिमेट्री का आ जाता है। कंप्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना, कनेक्ट, आपको पता ही है, जोड़ना, ठीक है। तो ये सारे इसके मीनिंग, इंटेग्रेशन का आ जाएगा, इसका सही मीनिंग आ जाएगा यूनिटी। डिस्क्रिमिनेशन, 10वीं क्लास में 2रा लेसन है नेल्सन मंडेला का, मेन रीडर बुक का, मेन रीडर जो बुक है मंडेला, उसके अंदर मंडेला में की आटो जो बायोग्राफी है उसके बारे में बताया गया है कि 28 साल वो जेल के अंदर रहते हैं, और जो है अफ्रीका के अंदर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो ब्लैक्स हैं, गोरे लोग, जो अंग्रेज लोग हैं, तो वहाँ पर वर्ड आया था डिस्क्रिमिनेशन करना, यानी लोगों को उसकी कलर के आधार पर सेपरेट करना, डिस्टिंग्विश करना, डिफ्रेंशिएट करना। तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब यहाँ पर पहला देख लेते, कंपेयर, तुलना करना, कंप्रीहेंड, अंडरस्टैंड करना, कनेक्ट, जोड़ना। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, क्या करना, लोगों में अंदर सेपरेशन करना, भेदभाव करना, ठीक है। ये इसके अंदर मैं ये वाले पढ़ गया था, ये ध्यान नहीं रहा। इंटेग्रेशन का मतलब यूनिटी है, कोऑर्डिनेशन, सहयोग करना, कंप्राइज, आप कंप्रोमाइज पता ही आपको, समझौता करना। अपीयर का मतलब होता है टू सीम, नज़र आना, दिखाई देना, नज़र आना, ये 10वीं क्लास तक के जब आप लिटरेचर पढ़ोगे बार बार हर लेसन में मोस्टली आता है अपीयर, नज़र आना। सी का मतलब देखना, अलाउ करना, अनुमति करना, एंटर, तो सीम, नज़र आना, दिखाई देना। 66 से लेकर के 70 तक देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट, अपोजिट करना है इसका बिल्कुल, ठीक है। ये सिमिलर था, ये इसका अपोजिट है। तो आप देख सकते हैं कि SSC MTS के अंदर, इससे पहले मेरी काफ़ी सारी वीडियो हैं, एक ब्लैक बुक है इंग्लिश की, जिसके अंदर SSC के
200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड हैं, हर एक वर्ड जो 8 से 10 बार पूछा गया है उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है अपने प्लेलिस्ट में, जाकर मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। ठीक है, 200 मोस्ट रिपीटेड सिमिलर वर्ड, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, एडियम, फ्रेज जो भी है मैंने डाल रखी है, एक आध ना डाली है वो भी मैं डाल दूंगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करना। विक्ड, विक्ड का मतलब होता है बुरा। ठीक है, इसका अपोजिट पहले ही देखते, कनिंग, कनिंग का मतलब होता है चतुर, चालाक, ट्रिकी भी कनिंग को बोलते हैं। ठीक है, फोक्सी नेस भी बोलते हैं, जो चतुर होता है ना, जैसे लोमड़ी होती है फोक्सी, फोक्स, तो फोक्सी नेस का मतलब भी चतुर होता है। विग्ड मीन बुरा और गुड माने अच्छा। क्रूक्ड कौन होता है? अपराधी। क्रूक्ड कौन होता है? अपराधी, और जो अपराध में साथ दे, एकम्प्लिस कहते हैं उसको, सह अपराधी, ACOMPLIC, एकम्प्लिस। इस तरह है ना, हमें चीज़ों को, इंग्लिश को ना सिर्फ रटना नहीं, रिलेट करके पढ़ना है, कि बस सिर्फ ऑप्शन नहीं देखना। गुड जैसे कनिंग का मैंने बताया, फोक्सीनेस, ट्रिकी भी बोल सकते हैं, चला, क्रूक्ड, अपराधी, और जो अपराध में साथ दे उसको एकम्प्लिस कहा जाता है। ऐसे रिलेट करके चीज़ों को पढ़ना है। ब्लॉक कर देना किसी चीज़ को, यानी कि कोई चीज़ में अवरुद्ध पैदा कर देना, रुकावट कर देना। क्लीन, साफ सुथरा। ईज का मतलब आराम, कंफर्टेबल, क्योर, आपको पता, इलाज करना। और क्लियर, कोई चीज़ साफ है, क्लियर है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, इसका एंटोनियम सी आ जाएगा। वैनिटी का मतलब होता है ईगो, घमंड, ईगोइस्ट पर्सन, वैनिटी। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, है ना। मोडेस्ट का मतलब होता है विनम्र होना। और डिसेंसी, डिसेंस कोई चीज़ सही है, ठीक है, डिसेंट पर्सन है, नेक है, ईमानदार है, अच्छा है। तो वैनिटी का घमंड, तो अपोजिट आ जाएगा मोडेस्ट, जो बहुत शालीन है, विनम्र है। नेग्लिजेंट है, नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? नेग्लिजेंट का मतलब होता है जो पर्सन लापरवाह है, लापरवाह को कहते हैं नेग्लिजेंट। अटेंटिव का मतलब होता है जो सतर्क है, इनअटेंटिव इसका उल्टा हो गया, तो इनअटेंटिव भी क्या हो जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति क्या है, बेपरवाह है, इनअटेंटिव, ये तो सिमिलर हो गया। ठीक है, सिग्निफिकेंट क्या है? महत्वपूर्ण होता है। इनसिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, केयरफुल, सावधान। इम्प्रूडेंट क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है डीट पर्सन, इम्प्रूडेंट का मतलब डीट पर्सन। ठीक है, डीट क्या होता है? जिसके अंदर विवेक ना हो, ठीक है, अविवेकी बोलते हैं जिसको। तो नेग्लिजेंट लापरवाह, उन एंटोनियम्स आ जाएगा जो केयरफुल है। नीट, साफ सुथरा, ठीक है, और एंटोनियम्स क्या आ जाएगा? जो साफ सुथरा नहीं है, जो बेडंगा है, तो आंसर आ जाएगा स्लोपी। स्लोपी का मतलब होता है बेडंगा। फ्रेग्नेंट, सुगंध, ऑर्डरली, जो क्रम में है, सही है। और SPRUCE, स्पर्श, इसका मतलब क्या होता है? स्पर्श का मतलब होता है कोई चीज़ डेकोरेट करना, कोई चीज़ सजाना। सॉरी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। नीट दोबारा देख लेते हैं। नीट का मतलब होता है स्लोपी, बेडंगा, एंटोनियम्स आ जाएगा इसका। फ्रेग्नेंट होता है सुगंध। स्पर्श का मतलब होता है डेकोरेट करना, यानी कि सजाना। और एक सजावट, एक ग्रीन प्लांट भी होता है, उसको भी कहते हैं, पेड़ भी हो सकता है वो, ठीक है, उसको भी स्पर्श बोलते हैं। ऑर्डरली होता है क्रम में। आगे देखते हैं 71 से 75 तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित जो क्वेश्चन है, 4 विकल्प दे रखे हैं, अल्टरनेटिव दे रखे हैं, गिवन फॉर द बोल्ड, जो बोल्ड हैं, ठीक है, idiom और phrase हैं, choose the alternative which best express, idiom का अर्थ बताना है। ठीक है, तो शायद मेरे ख्याल से मैंने ब्लैक बुक के जो 8 से 10 बार, एक उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये idiom 8 बार पूछा जा चुका है, MTS हो चाहे वो, मान लिया CHSL हो चाहे CGL हो, इसमें 10 बार पूछा जा चुका है। ब्लैक बुक, बुक जो है इंग्लिश की, वो भी मैंने करवा रखे हैं, आप उसको भी देख सकते हो। तो पहला आइडियम है, द पुलिस क्लोज्ड द बुक ऑन द मर्डर केस। मर्डर का केस था, पुलिस ने इस केस के जो फाइल है वो ही बंद कर दी। आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हो, क्लोज द बुक ऑन, एक आइडियम है, इसका मतलब होता है स्टॉप वर्किंग ऑन, काम ही करना, बंद कर देना, फाइलें बंद कर देना उसकी। सोल्व द केस ऑफ, सोल्व करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। हैंडेड द केस ओवर टू द नदर एजेंसी, जो केस है किसी दूसरी एजेंसी को दे देना। रिफ्यूज टू टेक अप, ये लेने से मना कर देना। तो क्लोज द बुक ऑन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग ऑन, यानी कि काम ही करना, बंद कर दिया उसके ऊपर। अब देखते हैं 72, हिज आर्ग्यूमेंट्स, उसके जो तर्क थे ना, कट नो आइस विद मी, यानी उसने जो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट किया, कट नो आइस विद मी का मतलब होता है उस आर्ग्यूमेंट्स का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कट नो आर्ग्यूमेंट्स विद समवन, ऐसे मिलेगा आपको, कट नो आइस विद मी या समवन, इसका मतलब होता है हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन समवन, किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना।
तो उसके जो आर्ग्यूमेंट थे उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डिड नॉट हर्ट मी, मुझे कोई हर्ट नहीं किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डिड नॉट बेनिफिट मी, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डिड नॉट मेक मी प्राउड, इससे मुझे कोई प्राउड फील नहीं हुआ। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। तो ध्यान रखना कट नो आइस विद मी, इसका मतलब है कोई प्रभाव न पड़ना। हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन समवन। 73 देर वॉज ए जॉब फॉर मी, मेरे लिए एक नौकरी थी। टू कट माई टीथ ऑन, इसका क्या मतलब है टू कट? देखो idiom फ्रेज क्या होते हैं, टू कट काटना, माई मेरे, टिथ दांत, ऐसे idiom और फ्रेज में क्या होता है एक एक वर्ड का मीनिंग लगकर न लग करके सबका इकट्ठा एक मीनिंग लगता है। टू कट माई टिथ यानी कि टू कट समवन टिथ ऑन, इसको ऐसे मिलता है ये टू कट समवन टिथ ऑन का मतलब होता है टू गेन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो टू कट माई टीथ ऑन का मतलब क्या हो जाएगा टू गेन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए मुझे क्या है देर वाज ए जॉब फॉर, मेरे लिए एक जॉब थी जिससे मैं एक्सपीरियंस प्राप्त कर लूँगा। तो आप समझ गए होंगे टू ट्राई प्रयास करना, शार्पन माई विट्स, विट का मतलब बुद्धिमत्ता, दिमाग को तेज करना, टू अर्न ए डिसेंट सैलरी एक अच्छी नौकरी पाना। तो टू कट माई टीथ ऑन का मतलब होता है टू गेन एक्सपीरियंस। और इससे एक मुझे याद आया एक जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है जिस चाहे वो पॉलिटिकल हो कोई बिजनेसमैन हो जिसका किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसे वेटरन कहा जाता है। VETERAN वेटरन, वेटरन पर्सन होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन। 74 है द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पे डिविडेंड्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी संस्था हो चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कंपनी हो फैक्ट्री हो कोई भी हो मेल हो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉलिसी पॉलिसी अप्लाई की जाती है जिसे कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। इसका मतलब होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट करना, अच्छा काम करोगे तो रिवार्ड मिलेगा, अगर आप सही काम नहीं करोगे तो कंपनी आपको भगा देगी, उसी को कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। पे डिविडेंड टू इन एवरी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डिविडेंड होती है। फेयर एंड फाउल, कंटिन्यूस विजिलेंस करना, निगरानी करना, डेमोक्रेटिक यानी कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट होता है इसका मतलब। अनलेस जब तक यू ग्रीज हिज पाम, ग्रीज हिज पाम का मतलब होता है रिश्वत देना, बहुत बार पूछा जाता है CGL के अंदर CHSL के अंदर ग्रीज हिज पाम यानी रिश्वत देना। अनलेस यू ग्रीज हिज पाम जब तक आप रिश्वत नहीं होगे ही विल नॉट डू योर वर्क, वो आपका काम नहीं करेगा। यानी इंडिया के अंदर कोई भी काम चाहे अपने लाइसेंस बनवाना हो चाहे कुछ भी बनवाना हो बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता, उसे कहते हैं ग्रीज वंस पाम यानी ब्राइब रिश्वत देना। टू टेक टॉक टू हिम, फ्लैटर चापलूसी करना, बीट हिम, ये छोड़ दो तो ब्राइब आ जाएगा। 76 से लेकर के 80 तक ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चन के अंदर सेंटेंस इज प्रिंटेड इन बोल्ड, जो बोल्ड में प्रिंट किए गए जैसे कि ये कर रखे हैं पार्ट 1, 2, 3 विच में इम्प्रूव द सेंटेंस, किस में सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प चुनना है। इन केस नो इम्प्रूवमेंट, यदि इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है वाक्य सही है तो नीडेड, तो इज नीडेड योर आंसर इज 4, तब आपका आंसर 4 आ जाएगा यदि वाक्य बिल्कुल सही है। तो देखते हैं इफ आई वाज यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट्स, यदि मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन नहीं करता, ये कैसा वाक्य है। 76 देखो इसके अंदर एक कोरी कल्पना है, बस एक असंभव शर्त है। तो जब भी है ना कोरी कल्पना हो तो वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम ये कहते हैं कि वाक्य कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाओ, लेकिन अगर वाक्य आपकी सिर्फ इमेजिनेशन है, जैसे मैं कहूँ कि मैं यदि स्कूल का प्रिंसिपल होता ना तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, यानी मैं क्या कर रहा हूँ कोरी कल्पना कर रहा हूँ, इमेजिनेशन कर रहा हूँ, तो उसकी जगह जगह जैसे इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, आई है सिंगुलर लेकिन वर्ब लगाई मैंने प्लूरल। तो जब कोरी कल्पना हो असंभव शर्त हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आई गलत है, आई की जगह आ जाएगा वर, इफ आई वर यू यदि मैं तुम्हारी जगह होता आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट्स। 77 देखते हैं दे वर एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान होना, सरप्राइज्ड। एस्टोनिश को मैं सरप्राइज्ड कह सकता हूँ, अमेज AMAZE अमेज कह सकता हूँ, स्टार्टल STARTLE स्टार्टल हैरान होना, भौचक्का होना, ठीक है, ये इसके सिमिलर वर्ड हो सकते हैं।
परप्लेक्स हो सकता है, PERPLEX परप्लेक्स, सरप्राइज्ड, ठीक है, ये सारे इसके हो सकते हैं। दे वर एस्टोनिस्ट, वे बड़े हैरान थे। थ्रू हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन परीक्षा में फेल हो गया। एस्टोनिस ये वर्ब है, इसके साथ प्रपोजिशन थ्रू नहीं आएगी, एट आएगी, एट या बाई। तो दे वर एस्टोनिस्ड एट हिज फेलियर, तो एस्टोनिस के साथ थ्रू नहीं आएगा, या तो एट आएगा या फिर बाई आएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, माई पेरेंट्स लुकड एस्टोनिस्ड एट माई न्यूज़, मेरी न्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हैरान थे, तो एस्टोनिस के साथ एट आता है, जैसे सरप्राइज के साथ ऐड आता है। 78 देखते हैं अब, तो यहाँ ऐड आ जाएगा। द इंक्रीजिंग सेल, सेल क्या है, बढ़ रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, ऑफ लग्जरियस चीज़ों की जो सेल है वो इंक्रीज हो रही है। इज एन इंडेक्स, ये एक संकेत है, ऑफ द कंट्रीज प्रोस्पेरिटी, यानी देश की समृद्धि के लिए एक क्या है, ये एक इंडेक्स है। वाक्य बिल्कुल सही है, कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। When you are starting to write, जब आप लिखना शुरू करते हैं to your friends, कब समय पूछा, कब आप अपने दोस्त को लिखते हैं, तो starting नहीं आता, इसकी जगह when are you going, प्रश्न पूछा, कब आप अपने मित्र को लिखने जा रहे हो, तो starting नहीं आता, when are you going to write, ठीक है, तो ऐसे starting नहीं आता, going आता है, तो आंसर आ जाएगा going, wanting नहीं आएगा, thinking नहीं। I prefer to write than to walk, प्रेफर होता है यानी प्राथमिकता देना, टू राइड देन टू वॉक, देन टू वॉक, तो क्या इसमें राइड टू वॉक ये गलत है, राइडिंग देन वॉकिंग आना चाहिए, राइडिंग टू वॉकिंग आना चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। मान लिया जब भी किसी सेंटेंस के अंदर प्रेफर हो और प्रेफर के बाद मान लिया नाउन हो, प्रोनाउन हो, सॉरी ये तो दिखा ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये पढ़ाने में ध्यान नहीं रहता थोड़ा सा मेरा, कि एडजस्ट करना थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी। आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक, इसका प्रेफर वर्ड जहाँ भी आ जाए, ठीक है, वाक्य के अंदर जब प्रेफर आ जाए, प्राथमिकता आ जाए किसी चीज़ की, और उसके बाद मान लिया नाउन है या प्रोनाउन है या फिर जेरंड, जेरंड का मतलब होता है पहली फॉर्म के साथ आई एन जी, जब आप नॉन फाइनेट करोगे ना, इन्फिनिटिव है, जेरंड है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके अगर ये आ जाए तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए, टू का प्रयोग करना चाहिए। यदि इन्फिनिटिव आई, इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू के बदले हमें रैदर देन का प्रयोग करना चाहिए, रैदर देन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ही एग्जांपल है, जैसे ही प्रेफर्स, ही या सी लगा लो, ही प्रेफर्स वॉकिंग, ही प्रेफर्स वॉकिंग टू राइडिंग्स, he prefer walking to ridings, या he prefers to like rather than die, मरने की बजाय वो जिंदा रहना पसंद करेगा, ठीक है, तो to के साथ फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आएगा rather than, तो यहाँ एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा I prefer riding to walking, यानी मैं walking की बजाय riding करना पसंद करता हूँ, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ये। अब आते हैं आपके 81 से लेकर के 85 तक, वीडियो लंबी होगी क्योंकि 25 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन को पढ़ना फिर उसको एक्सप्लेन करना उसमें टाइम तो लगेगा, ठीक है, इसमें तो और कोई शॉर्टकट है ही नहीं, एक्सप्लेन करना चीज़ों को रिलेट करके जब पढ़ाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन इतना है अगर आप इंग्लिश के ये 100 सेट कर लेते हैं, 2019 तक की हैं, और पिछला जो मान लिया 21-22 में जो पेपर हुआ था उसके सेट में मैं करवाऊँगा, तो कम से कम 150 सेट हो जाएंगे, ठीक है। शायद मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल के अंदर पेपर है, तो मैं भी कोशिश करूँगा, यदि आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको मेरा तरीका पसंद आया, समझ में आ रहे हैं, तो मैं और बिल्कुल एक दिन के दो दो में हर रोज़ के इसके अंदर डाल दूँगा, GS के भी और जो है इंग्लिश के भी। तो 81 से 85 तक, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड, जो वर्ड दे रखा है ना इसका सब्सटीट्यूट ढूंढना है कौन सा सही होगा। टू गिवन्स वन अथॉरिटी टू अनदर, वन का मतलब पर्सन, अथॉरिटी का मतलब मान लिया आप किसी पद पर बैठे हो, ठीक है, टू अनदर, गिव अप मीन टू गिव,
वंस अथॉरिटी टू अनदर, दूसरे के लिए अपने पद को त्याग देना उसको बोलते हैं डेली, असाइन देना, रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करना, डेजिग्नेट होता पद तो उसे बोलते हैं डेलीगेट करना, क्या करना डेलीगेट, टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर यानी अपना जो अथॉरिटी है वो दूसरे को टू गिव दे देना उसको कहते हैं डेलीगेट करना। वन हु इज इंटरवीन, इंटरवीन वह दखल देना, वन का मतलब पर्सन, ऐसा पर्सन जो इंटरवीन करता दखल देता, बिटवीन के बीच, बिटवीन दो के बीच की बात हो तो बिटवीन, और कईयों के बीच की बात हो तो क्या नाम है अमोंग का प्रयोग किया जाता है। वन हु इंटरवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस, मान लिया दो पार्टियों में कोई झगड़ा है ठीक है, और सेटल द डिफरेंस का मतलब होता है झगड़ा निपटाना, झगड़ा निपटाने के लिए वो बीच में आता है, इंटरवीन करता है, समझौता करवाने की इनकी कहता है, उसको कहते हैं मध्यस्थता करवाना ठीक है। जैसे अमेरिका क्या है, कई देशों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो वो मध्यस्थता के लिए आता है तो उसे कहते हैं इंटरमीडिएटरी, तो न्यूट्रल, इंटरमीडिएटरी, जज करना, कोनोइजर, कोनोइजर कौन होता है, पारखी, बहुत इसकी है ना स्पेलिंग बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, कोनोइजर की स्पेलिंग को ध्यान से अच्छी तरह याद करना, लिख लेना, इसमें डबल एन आता है, सी ओ डबल एन ओ आई डबल एस ई, और कोनोइजर होता है पारखी, पा रेखी, पारखी ठीक है। जैसे कहते हैं ना हीरो की असली परख किसको होती है, यानी कि जो सुनार जो हीरो को व्यापारी होता है उसको, तो उसे बोलते हैं इंटरवीन करता सेटल द अकाउंट, डिफरेंस को सुलझाने में जो इंटरवीन करता उसे कहते हैं इंटरमीडिएटरी करना, मध्यस्थता करना। द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जब कानून व्यवस्था काम ना करे और लॉ एंड ऑर्डर को कोई नहीं पूछता हो उसे कहते हैं अराजकता होना, अनार्की होना ठीक है। रेबिलियन होता है विद्रोह ठीक है, और रिवोल्ट का मतलब भी होता है विद्रोह, म्यूटिनी का भी सेम, अनार्की, अराजकता, आंसर आ जाएगा ये। ए वॉइस, एक ऐसी आवाज़ दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुनी ना जा सके उसे कहते हैं इनऑडिबल, ऑडिबल होता जिसे सुन सके, इनऑडिबल है जो सुने सुनने योग्य ना हो। नेक्स्ट है हाई सी वेव्स, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें, केस बाई के कारण पैदा होती हैं, अंडर वाटर अर्थक्वैक, जब अर्थक्वैक भूकंप आ जाता है ना तब जो पानी के नीचे जो भूकंप आता है उसके कारण पैदा होते हैं। आठवीं क्लास में सेकेंड लेसन है सुनामी, जिसमें 2003 के अंदर जो सुनामी आई थी ठीक है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर, उसका जिक्र किया गया है, समुद्र जो तट है उनके पास जो आई थी, तो उस लेसन के अंदर है सुनामी, टी इसके अंदर साइलेंट है, सुनामी 40-50 फुट जो ऊंची लहरें होती है समुद्र की, जो समुद्र के नीचे जो अर्थक्वेक होता है उसके कारण पैदा होते हैं उसे सुनामी कहा जाता है, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ये। आठवीं क्लास में सेकेंड लेसन है 86 से लेकर के 90 तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चनों में ग्रुप ऑफ फोर वर्ड्स आर गिवन, इट्स ग्रुप वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, स्पेलिंग बतानी है बजटरी की, बी यू डी जी ई टी ए आर वाई, बी यू डी जी ई टी ए आर वाई, इसमें ई आर वाई गलत है, इसमें बी यू डी, इसमें डी नहीं लगाया, इसमें ए नहीं लगाया, इसमें बी यू डी जी ई टी आर वाई, इसमें ए नहीं लगाया, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा बी यू डी जी ई टी ए आर वाई, बजटरी। नेक्स्ट है अक्रेंस, अक्कर का मतलब होता है घटित होना, ओ डबल सी यू आर ए एन सी ई एन सी, अक्रेंस, ओ डबल सी, ओ डबल सी यू आर, यू आर, इसके अंदर डबल आर नहीं दिया यहाँ गलती है, ओ डबल सी, इसमें डबल सी नहीं दिया ना डबल आर नहीं दिया ये गलती है, ओ डबल सी यू, इसमें डबल आर नहीं दिया यहाँ गलती है, तो एग्जैक्ट स्पेलिंग ये है ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी, सी वी डबल आर वी डबल, ये आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर। 88 है पेडेस्ट्रियन होता है जो पैदल चलने वाले होते हैं, पेडेस्ट्रियन किसको कहते हैं जो पैदल चलते हैं, तो एग्जैक्ट स्पेलिंग है पी ई डी ई एस टी आर आई एन, इसमें पी आई डी दे दिया गलत, पी ई डी, इसमें ई नहीं दिया आई दे दिया ये गलत है, पी आई डी आई दे दिया यहाँ गलती है, तो एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है पी ई डी ई एस टी आर आई ए एन, पेडेस्ट्रियंस। 1, 2, 3, 4, 5 स्पेलिंग पूछी जाती हैं, कोनोइजर की याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेपरेटली की स्पेलिंग बतानी है, एस ई पी ए आर ए टी ई एल वाई, एस ई पी ए आर ए टी ई एल वाई, सेपरेटली ठीक है, एस ई पी यहाँ ई दे दिया गलत है, एस ई पी ई दे दिया ये भी गलत है, एस ई पी ए आर ए टी
एल वाई टी ई आऊगा यहाँ पर, ये गलत है, तो एग्जैक्ट रह जाएगी ये एस ई पी सेपरेटली ए आर ए टी ई एल वाई। एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड ई एम बी डबल आर और डबल एस आऊगा, एम्बेरेस्ड में डबल आर और डबल एस, ई एम बी ए डबल आर एस ई डबल ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस ई डी एम्बेरेस्ड। तो एग्जैक्ट स्पेलिंग आप देख लो क्या है, फिर बता रहा हूँ मैं, ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस ई डी एम्बेरेस्ड। अब है हमारा 91 से लेकर के अंडर तक एक पैरा दे रखा है, पैरा पढ़ना है, आंसर देने हैं, तो मैं इसके आपको फटाफट बताऊंगा इसके, ठीक है। अब ये तो एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, दोनों तरफ का दिखाई नहीं देगा। इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन गिवन लेफ्ट आउट, कुछ वर्ड है ना लेफ्ट कर दिए गए हैं। फर्स्ट रीड द पैसेज, पहले तो पैसेज को पढ़ेंगे ओवर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अबाउट, इसको कंप्रिहेंड करेंगे, पहले समझेंगे क्या बताया गया है इसके अंदर। देन फिल द ब्लैंक्स, फिर खाली स्थान भरेंगे विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन, जो भी विकल्प दे रखे हैं उसकी मदद से। पहले पहरे को पढ़ते हैं, देखो वेहन, जब समय बताया, अनिल पास्ड हिज फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, जब अनिल ने अपने यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जामिनेशन को पास कर लिया। एंड गोट हिज ना हिज, अब 91 की जगह क्या आना चाहिए, गोट हिज। अब मैं देखो यहाँ निकालता हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, ऐसे करके बताना पड़ा। 91 गोट हिज लाइसेंस, क्या लाइसेंस प्राप्त किया उसने, ठीक है, बैचलरहुड या फिर डिग्री या डिप्लोमा, तो क्या आ जाएगा, गेट हिज डिग्री, गेट हिज डिग्री, तो 91 में 91 की जगह आ जाएगा डिग्री। अब मैं दोबारा पैसेज दिखाता हूँ, ठीक है, गेट हिज डिग्री ही डिसाइडेड, फिर उसने फैसला किया टू टू 92 में क्या आना चाहिए, डिसाइडेड फैसला किया टू, अब 92 को पढ़ते हैं, डिसाइडेड टू, थोड़ा सा और करता हूँ इधर, टू सेलिब्रेट, टू फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है दावत, टू एंटरटेनमेंट मनोरंजन करना, टू कमेंसरेट करना, ठीक है, तो आ जाएगा टू सेलिब्रेट, तो यहाँ पर आ जाएगा 92 का डिसाइडेड टू सेलिब्रेट, तो उसने पास कर ली तो सेलिब्रेशन तो मनाएगा। एंड इनवाइटेड, फिर सबको न्योता दिया, ऑल हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, टू ए पार्टी, पार्टी देने के लिए, टू बी, बी के साथ पहली फॉर्म आती है, टू बी द फॉलोइंग संडे, टू बी द फॉलोइंग, आने वाला जो संडे है उसको, तो देखते हैं बी की जगह क्या आएगा 93 में, टू बी 93, टू बी प्लांट या प्लान, योजना बनाई, सेलिब्रेटेड किया, ऑफर्ड किया, हेल्ड, तो हेल्ड यानी कि आयोजित करने का, पार्टी आयोजित करने का अगले संडे को, तो आ जाएगा हेल्ड। अब देखते हैं दोबारा पैसेज, टू बी फॉलोइंग 93 द फॉलोइंग संडे ही स्पेंट, बिताना, मोस्ट ऑफ दैट डे सैटरडे, तो अपना ज़्यादातर सैटरडे उसने बिताया। 94 में क्या जाएगा, 94 को पढ़ते हैं, सैटरडे किस चीज़ में, सैटरडे इसने दे दिए वर्ड 94 में, प्रिपेयरिंग करने में, पुटिंग्स, गेटिंग, डूइंग्स, तो इसमें आ जाएगा ही स्पेंट मोस्ट ऑफ दैट सैटरडे गेटिंग थिंग्स रेडी, चीज़ों को क्या करने में, रेडी करने में उसने अपना समय बिता दिया, रेडी थिंग्स एंड दैट, फिर रेड स्पेंट मोस्ट ऑफ द सैटरडे गेटिंग थिंग्स रेडी एंड एट 7:40 7:40 पर द फर्स्ट गेस्ट अराइव्ड, पहला मेहमान आया। आफ्टर दैट, उसके बाद ए स्टडी, आगे देखते हैं क्या है, स्टडी ऑफ द पीपल, स्टडी 95 में देखते हैं स्टडी की जगह क्या आएगा, स्ट्रीम, करंट, रिवर, मूवमेंट्स, तो स्टडी ऑफ द पीपल एंड, तो धीरे धीरे लोग क्या हैं आना शुरू हो गए। और फिर है 96 में, एंड अनिल वाज बिजी, और अनिल तो बिजी था, ऑफ पीपल, आफ्टर दैट स्टडी 95 में स्ट्रीम आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ पीपल। और फिर 96 में देखते हैं क्या दे रखा है, अभी एडजस्ट नहीं होगा थोड़ा सा, मैंने पीपीटी वगैरह, मेरे पास संसाधन की कमी है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो पीपल की जगह 96 में दे रखा है इसने ट्रेंड आउट, ट्रेंड अप, ट्रेंड इन, ट्रेंड डाउन, तो हमने इनका मतलब का पता लगाना है 96। तो ट्रेंड
अप का मतलब होता प्रकट होना, दिखना, तो आ जाएगा ओ पीपल टर्नड अप एंड अनिल वाज बिजी, लोग फिर मतलब आने लगे और अनिल बिजी हो गया चैटिंग करने में, तो पीपल लोगों से बातचीत करनी शुरू हो गई एंड इंट्रोड्यूसिंग देम, एक दूसरे को अपना इंट्रोड्यूस करवा रहा था, परिचय दे रहा था। अनिल हैड ए वाइड ऑफ फ्रेंड्स, अनिल हैड ए वाइड, अब इसने 97 में दे दिया वाइड नंबर संख्या ग्रुप या सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, तो वाइड सर्कल यानी इसका मतलब बहुत ज़्यादा सर्कल था, तो वाइड की जगह आ जाएगा सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। एंड नॉट एवरी वन एट द पार्टी न्यू एवरीबॉडी, पार्टी में जितने व्यक्ति थे वो एक दूसरे को नहीं जानते थे मोस्टली। ए पार्टी इज ऑलवेज ए गुड वे, पार्टी हमेशा एक अच्छा वे होता है। टू ब्रेक द 99 में देखते हैं क्या आएगा। टू ब्रेक द साइलेंस एटमोसफियर, टू ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, यानी कि वार्तालाप करना, बातचीत शुरू करना, यानी एक अच्छा तरीका होता पार्टी देने का। टू ब्रेक द आइस यानी कि चुप्पी तोड़ने का, बातचीत करने का। एंड गेट पीपल टॉकिंग, लोगों से बातें करने का। अनिल थॉट, अनिल ने सोचा द पार्टी सून गोट गोइंग, और जो पार्टी सीगर ही क्या है ऐसी मतलब कंटिन्यू रही। एंड देर वॉज ए फीलिंग ऑफ रिलीफ एट द 100 में क्या जाएगा, एट द फैक्ट दैट द एग्जामिनेशन वर ओवर, इस ये फैक्ट कि एग्जामिनेशन अब फिनिश हो गए, दैट ए लॉन्ग समर हॉलीडे ले अहेड, तो 100 के अंदर सब्जेक्ट पॉइंट फैक्ट आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में, वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है 40 मिनट की, चीज़ों को एक्सप्लेन करने में तो टाइम लग ही जाता है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके बाद जो मैं अगला जो पेपर है उसको मैं सोल्व करवा दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।